अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 30 जनवरी को दोपहर 2 बजे दौलतगंज में हुतात्मा नाथुराम गोडसे एवं हुतात्मा नारायण आपटे स्मृति दिवस मनाया। इसमें 5 लोगों को गोडसे आपटे भारत रत्न सम्मान दिया गया। मुख्य वक्ता हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. जयवीर भारद्वाज ने कहा कि देश के विभाजन के इतिहास की जानकारी देने के उद्देश्य से ग्वालियर में 15 नवंबर 2017 को ग्वालियर में हुतात्मा गोडसे मंदिर बनाया गया था। ये मंदिर पूरे विश्व में ये जानकारी देने में सहायक हुआ। आज प्रत्येक घर में चर्चा होना ही सत्यता को बल प्रदान करता है। ग्वालियर गंगादास की बड़ी शाला में 750 से अधिक साधु संतों ने आज़ादी के प्रथम संग्राम में वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ बलिदान दिया, लेकिन आज तक कांग्रेस या भाजपा ने कोई उसका प्रतीक चिन्ह स्थापित नहीं किया। देश की आज़ादी में हिंदू महासभा का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इतिहास को सामने नहीं आने दिया जाता। 30 जनवरी को हुतात्मा गोडसे आपटे स्मृति दिवस हिंदू महासभा ने मनाया। जिला महामंत्री मोहन सिंह बघेल ने बताया कि गोडसे आपटे स्मृति दिवस पर संत कालीचरण महाराज, जो जेल में होने पर प्रमोद लोहपत्रे जी, हिंदू महासभा के मंडल महामंत्री किशोर महौर, युवक हिंदू महासभा की जिला संयोजक पवन, जिला सह संयोजक आनंद विहार, जिला प्रवक्ता नरेश पाठक को गोडसे आपटे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। आज है जो कार्यक्रम, भारत और पाकिस्तान एक हो, हिंदुस्तान अखंड बने, इसका संकल्प लिया है। हमारी मांग है कि एक हो जाएगा तो इस राष्ट्र का बहुत बड़ा विकास पूरे विश्व के अंदर होगा। आज के दिन को कैसे देखते हैं? आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है गांधी जी की। देखिए, श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी का कभी हिंदू महासभा ने कोई अपमान नहीं किया। जो लोग तथा कथित लोग हैं वो कांग्रेस ही है, जिन्होंने अपना जो है एक सिक्के का दो पहलू बन गए हैं, उन्होंने पलटी मारी है और वो बदनाम करने में लगे हुए हैं। हम अपनी बात कहने चाहते हैं कि हिंदू महासभा देश का विभाजन करने वालों का प्रतिकार करने वाली पार्टी है, और इसलिए हुतात्मा नाथुराम गोडसे नारायण आपटे जी ने ग्वालियर में इसी स्थान पर जो है 9 दिन रहकर ग्वालियर में जो है उस कार्य को करने के लिए संकल्प लिया था और कार्य किया था। Arthroscopy and Sports Injuries.